गाइज वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया, शानदार। तो आज का ब्लॉग बहुत शानदार रहने वाला है, क्योंकि आज हम जा रहे हैं आपका रुद्रपुर और पट्टी। 1:27 हो गया, देखिए। तो निकलते हैं फटाफट मम्मी के साथ और गाड़ी वगैरह स्टार्ट करते हैं। अपना बैग वगैरह पैक कर लिया, ये रखा है सामान वगैरह हमारा, और ये है फ़ोन, और ये हेलमेट। हेलमेट लेके चलना ज़रूरी होता है, तो इसलिए हम फटाफट यहाँ से निकल रहे हैं। तो ब्लॉग की शुरुआत करते करते सारा आपको दिखाते दिखाते बताते बताते चलेंगे, और हल्द्वानी होते हुए रुद्रपुर जाएंगे। हल्द्वानी यहाँ से 21 किलोमीटर, और उसके बाद रुद्रपुर कितना किलोमीटर है वो दिखाएंगे आपको। तो बनी रहिए सैनी जी के साथ। तो भैया जी, फाइनली मैं दीदी के यहाँ पहुँच गया हूँ। तो बिलासपुर से होते होते मैं चला था हल्द्वानी से बिलासपुर, रुद्रपुर होते हुए पूरा निकला उधर, उतनी धूलि उड़ती हाईवे में, तो क्या ही दिखाता मैं। तो भैया जी, मैं दीदी के वहाँ रुक गया था, अभी लगभग रात के हो गए। तो मैं दीदी के वहाँ रुक गया था, रात के लगभग 10:17 हो गए। और ये तो है गाइस, सुबह हो चुकी है, मॉर्निंग के साथ। गुड मॉर्निंग आपको शानदार वाली। और ये देखो सूरज कितना मस्त आ गया है, इधर का मौसम देखो क्या शानदार हो रहा है चारों तरफ। तो ये गांव के एरिया में ना यार बहुत ही प्यारा लगता है, जब गांव में आते हैं तो ये सारी चीज़ें दिखती हैं। देखो चारों तरफ घर वगैरह दिखेंगे आपको, टोटल टोटल सारे घर बना रखे हैं चारों तरफ। और ये देखो सुबह सुबह पक्षी उड़ रहे हैं। तो ये सुबह सुबह की वाइफ होती है, सुबह सुबह का व्यू है इतना शानदार वाला। और मैं उठ गया हूँ, गर्मी में 8 बज गया है और धूप भी नहीं आई है, थोड़ा मौसम ऐसे ही हो रहा है। तो दीदी बुला रही हैं, चाय वगैरह पीते हैं और उसके बाद निकलते हैं घर को यहाँ से फटाफट, क्योंकि मैं बाकी तो दिखा नहीं पाया था, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो रही थी मेमोरी कार्ड में, तो इसलिए ये रिकॉर्ड हो रहा है। तो ये देखो आप, और पिछले ब्लॉग में कैसा लगा आपको यार वो ब्लॉग, पिछला वाला जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, और सपोर्ट करना चैनल में और सब्सक्राइब करना चैनल को। तो फटाफट अभी चलते हैं नीचे और चाय वगैरह पीते हैं फटाफट। तो भैया जी, चाय वगैरह पी ली है, अभी घर को निकलेंगे थोड़ी देर में। पहले ये देख लो, तब तक यहाँ कुट्टी ऐसे कट्टी, देखो इधर गाय बंध रखी है, गाय भैंस बांध रखी है इधर, और इधर देखो ये जनरेटर वगैरह है, इससे कुट्टी वगैरह काटते हैं मशीन में। और ये वाला नल जो है ना, ये डिग्गी नहीं होती, ये पानी डायरेक्ट ज़मीन से आता है, देखो ऐसा होता है यहाँ पे गांव के उसमें। अपनी बाइक वगैरह इधर कर खड़ी कर दी थी हमने, ये देखो सामने, इसको निकालेंगे फटाफट और यहाँ से चलेंगे घर की ओर। तो अभी देखते हैं कितना टाइम और लग रहा है, कपड़े वपड़े चेंज करने हैं अभी। और ये है कुछ यहाँ की गली का व्यू, ये देखो ऐसा रहता है माहौल कुछ सुबह सुबह का, मॉर्निंग का। ये खड़ा है देखो, इससे पानी यानी खींचते हैं बाहर जनरेटर से। तो अभी देखो कितना टाइम लगता है, चलते हैं यहाँ से फटाफट। तो भैया जी, अभी खाना वाना खा के जाना है, और यहाँ पे देखो ऐसे होता है सुबह सुबह चूल्हे में, दीदी नहीं जाने ही नहीं। तो भैया जी घर नहीं जाने दे रही दीदी, दाल बननी है बोले, खाना खा के जाना बोले। और ये देखो किचन में कुकर रखा है, खाना बनना है, दाल बननी है दाल। खाना वाना खा के जाना है बोले यहाँ से अभी। और ये देखो इसमें इसमें ये मट्ठा वट्ठा चलाते हैं, ये जो पुरानी उसकी होती थी ना, इसमें रख दिया देखो इन्होंने, आग जला के पूरा पैक करके रख रखा है। ये कभी देखा है आपने पहले कभी? तो इसके बारे में बताना जरूर अगर नहीं देखा है तो। कुकर में सीटी आ रही है देखो, हम दाल बननी है, और ये ऊपर ही छत के ऊपर ही सारा काम है देखो, दाल वगैरह सारा। तो भी सब लोग बैठे हैं यहाँ, धूप सेक रहे हैं, धूप आ गई है। तो दीदी बर्तन धो रही है देखो, नल लगा हुआ है यहाँ पे सामने। तो ये सारी चीज़ें गांव के एरिया में आपको देखने को मिल जाएंगी। तो अभी देखो खाना वाना रेडी होता है, उसके बाद हम भी निकलेंगे। अभी खाना वाना खा के अभी देखो कितना टाइम लगता है यहाँ से निकलते निकलते। तो भैया जी, दाल चावल आ गया अपना, देखो दीदी के साथ दाल चावल खाते हैं, फिर फटाफट निकलते हैं यहाँ से, बहुत देर हो गई आज यहाँ पे, जाने नहीं दे रहे थे, खाना खा के जाएंगे बस बोल लेते। तो भैया जी, जाने का टाइम हो गया है, अब फटाफट यहाँ से जूते वगैरह पहनने हैं मुझे यार, फटाफट बहुत देर हो गई थी। अब जूते होते पहनते हैं फटाफट और निकलते हैं यहाँ से, बहुत टाइम हो गया। तो भैया जी, हम हो गए तैयार, पूरा फिट फाट करके जूते वगैरह पहन लिए हैं, और ये बैग वगैरह रखा है, और ये कट्टा, ये सामान इसमें रखना है अंदर, ये ले थी हमने, तो ये दड़ी वगैरह इसमें पैक करेंगे कट्टे में, उसके बाद लेके जाएंगे। तो फटाफट यहाँ से निकलेंगे। और ब्लॉग में यार कुछ भी अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें करें लोगों के साथ। बाकी इधर की सिंगारा देखो, ये हमने बनवाई थी दीदी के लिए, दीदी ने इतने सारे गिफ्ट वगैरह लगा रखे, देखो ये पूरा एक साथ का सेट है, देखो ये वाला है।
तो भैया जी मैं पहुंच गया हूँ बाजपुर और मम्मी ले रही है यहाँ पे अनार वाले से अनार। तो मम्मी अनार लेने चली गई और मैं बाजपुर की लोकेशन में देखा सामने यही। तो भैया जी फाइनली ना मैं घर पहुंच गया था, जैसा कि मैं आपको बता ही रहा था पिछले ब्लॉग में कैसा कैसा आपने कैसा लगा आपको ज़रूर बताया होगा आपने कमेंट सेक्शन में। और मैंने देखा भी नहीं है, अभी देखना कितना क्या है कैसी रही रेलवे यात्रा। मैं तो पहली बारी गया था मेट्रो, और मेट्रो में भी बैठा देखा मैंने बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली और मैंने बताया आपको। तो ऐसे ही सैनी जी के चैनल पे बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती रहेंगी। तो अभी हम ना बहुत सा एक चीज़ प्लान कर रहे हैं, अब देखो वो चीज़ प्लान अगर हो जाती है तो वो चीज़ भी आपको दिखाऊंगा मैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी जैसे नया साल आ रहा है और नए साल पे लोग बार बहुत टूर जा रहे हैं इधर उधर जा रहे हैं, तो शायद नए साल देखो अभी कहाँ जाना बन सकता है, तो वो चीज़ मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा ब्लॉग में। तो अभी का टाइम भी हो चुका है काफ़ी, तो मम्मी खाना खाने के लिए बुला रही हैं, तो हम जाते हैं खाना खाते हैं और आप लोग भी खाना खाओ एंजॉय करो और नए साल पे घूमने जाओ। सब लोगों के साथ घूमना कितना अच्छा लगता है ना, सब लोग जब जाते हैं फैमिली के साथ सब लोग नए साल पे घूमने, उससे पहले पहले निकल जाते हैं इधर उधर घूमने के लिए। तो मैं यही चीज़ बोल रहा था आपको कि अभी बहुत सारे ब्लॉग दिखते रहेंगे आपको, आते रहेंगे नए नए ब्लॉग, तो यही चीज़ें बोल रहा था मैं आपको। तो बने रहना सैनी जी के साथ, और ब्लॉग में कुछ भी अच्छा लगता है तो लाइक करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर।